अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा। दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने हो गए डीजल वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने अब नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़कों पर ऐसी पुरानी गाड़ियां चलाने वाले लोगों पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिल्ली सरकार ने दिए हैं। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइंस के तहत पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली की सड़कों से हटाने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी को तत्काल अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सड़कों पर चलती या पार्किंग में रखी गई ऐसी पुरानी गाड़ियां तत्काल जब्त की जाएंगी। जब्त किए गए पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी को हैंडओवर करना होगा। सड़कों पर 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाले चार पहिया वाहनों की जब्ती होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, जबकि पुराने दोपहिया गाड़ियों की जब्ती पर पेनल्टी 5,000 रुपए लगेगी। देश के 15,000 ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की मुहिम का स्वागत किया है। स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें दो चीज बहुत जरूरी रहने वाली हैं। पहली ये कि प्रदूषण का स्तर घटेगा और दूसरा कि सड़कों में बेहतर और सुरक्षित गाड़ियां होंगी। सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी निकाली है। हम कई राज्यों के व्यक्तिगत लाभ के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसे वे उन ग्राहकों तक पहुंचाएंगे जो अपने वाहनों को स्क्रैप कर रहे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के जरिए देश में करीब 1 करोड़ अनफिट हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने की है। इससे देश में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, सड़कों पर यात्री सुरक्षा में सुधार होगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। भारत सरकार का आकलन है कि अगर देश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाता है तो इससे ऑटोमोबाइल की सेल्स 8% तक बढ़ सकती है। अगर कोई पुराना वाहन दोबारा पकड़ा गया तो उसे सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अगर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उपभोक्ताओं को बेहतर लागत लाभ देती है तो उपभोक्ता खुद ही वाहनों को स्क्रैप करने की ओर आकर्षित होंगे, जिससे ऑटो उद्योग को बहुत लाभ होगा और हमारे देश में उनकी स्थिति बेहतर होगी और सुरक्षित सड़कें भी हमें मिलेंगी। देश में सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने की चुनौती बड़ी है, लेकिन इसके फायदे भी बड़े हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि नई गाड़ियों के मुकाबले पुरानी गाड़ियों से 10 से 12 गुना तक प्रदूषण ज्यादा होता है और सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमजोर होती है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को सही तरीके से जमीन पर लागू करने की होगी। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।